गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21st और 22nd ऑफ मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज पैटर्न उसी तरह रहने वाला है, करंट अफेयर्स करते हुए हम पुराने के कुछ न्यूज़ को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंडिया की कौन सी पहली सिटी हो चुकी है जिसने यूनाइटेड नेशन द्वारा मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो लोकलाइजेशन है उसको अडॉप्ट कर लिया है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लॉन्च किया एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को भोपाल सिटी में, ठीक है। और इसी के साथ भोपाल इंडिया की पहली सिटी हो गई है जिसने यूनाइटेड नेशन द्वारा मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लोकलाइजेशन को फाइनली अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया की पहली सिटी ऐसा करने वाली कौन सी है, ये है भोपाल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं जो आजकल न्यूज़ में बने हुए थे। इसमें सबसे पहला नाम है नवेगांव टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? तो ये लाई करता है महाराष्ट्र के स्टेट में। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे ये पाया गया कि जो टाइगर पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर किसी वजह से न्यूज़ में आ जाती है तो फिर वो स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, नवेगांव टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र स्टेट में। इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है जो न्यूज़ में था आजकल, ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक स्वैम्प डियर को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टेम्पल की। तो दो टेम्पल न्यूज़ में थे आजकल। फर्स्ट है इसमें कपिलेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल कहाँ पे है? ये लाई करता है उड़ीसा स्टेट में। किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि इस टेम्पल को ये ऐड करेंगे अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा एक और टेम्पल है जिसका नाम है तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल लाई करता है उत्तराखंड के स्टेट में, ठीक है। अब उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये भी न्यूज़ में था। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम है माना विलेज, और हाल ही में इसको रीनेम किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट विलेज, ठीक है। तो याद रखिएगा, माना विलेज कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में थे और इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच साइक्लोन हैज़ हिट म्यांमार कंट्री एंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म्स टू हिट द रीजन दिस सेंचुरी। इसमें से कौन सा साइक्लोन है जिसने हाल ही में म्यांमार कंट्री को हिट किया है, और इसी के साथ ये बहुत पावरफुल स्टॉर्म है जिसने इस सेंचुरी में किसी कंट्री को हिट किया है? तो ये है साइक्लोन मोचा, जो कि फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में कब? 11 मई को, ठीक है। और ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है जिसने म्यांमार को एक डिकेड में हिट किया है। साइक्लोन मोचा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म्स है जिसने इस कंट्री में लैंडफॉल क्रिएट कर दिया है इस सेंचुरी में, और अब तक ये पता चला है कि 20 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइक्लोन मोचा ने किस कंट्री को हिट किया? म्यांमार कंट्री को। साथ ही कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो बे ऑफ बंगाल साइड में, ठीक है। कुछ और साइक्लोन्स अगर यहाँ पे रिवाइज करें तो फर्स्ट है साइक्लोन फ्रेडी। साइक्लोन फ्रेडी ने कुछ ऑस्ट्रेलियन रीजन वाले हिस्से को हिट किया था। फिर एक और साइक्लोन है जो इसी साल आया था, ये है साइक्लोन गैब्रियल। इसने हिट किया था न्यूजीलैंड को। और साइक्लोन असानी भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। साइक्लोन असानी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हिट किया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, साइक्लोन मोचा से क्योंकि म्यांमार कंट्री अफेक्टेड है, तो म्यांमार कंट्री को हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। और कुछ दिनों पहले इंडिया ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। इसका एम क्या था? जो भी सूडान कंट्री में इंडिया के सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालना, इवैक्यूएट करवाना। और उस दौरान हक्की पिक्की ट्राइब के बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया। ये ट्राइब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। हक्की पिक्की ट्राइब ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द 100 डेज 100 पेस कैंपेन। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ये कैंपेन रन करवाया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 100 डेज 100 पेस कैंपेन को, और इसका एम है टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को ट्रेस और सेटल करना सभी बैंक के अगले 100 दिनों में, ठीक है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात करें तो ये क्या चीज़ होती है? देखिए, ऐसा कोई भी डिपॉजिट
जिसमें कोई तरह की एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है 10 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब उसमें किसी भी तरह का इन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है फंड्स में, या फिर जो डिपॉजिटर है वो उनको विदड्रॉ भी नहीं करवा रहा है, तो ऐसे डिपॉजिट को हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट हर बैंक के ट्रेस और सेटल किए जाएंगे RBI द्वारा। तो याद रखिएगा 100 डेज 100 पेज कैंपेन किसका है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा, इसके अलावा आजकल एक टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसका नाम है ई रेट्रो फिटमेंट। क्या होता है ये, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कन्वेंशनल व्हीकल हैं उनको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, जो उसका इंटरनल कंबशन इंजन है उसको रिप्लेस करके विद द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। ठीक है, और ऐसा माना गया कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के ट्रांजिशन में टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक एम्बिशियस टारगेट रिवील किया है, उसमें डिसाइड हुआ है कि 30% सेल्स पेनिट्रेशन करवाई जाएगी इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार की, कब तक, बाय 2030। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि जो ई रेट्रोफिटमेंट है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, ये किस फील्ड या सेक्टर से रिलेटेड है। 4-5 ऑप्शन दे देंगे, लाइक कल्चर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्पोर्ट, फिनेंस। तो याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट फॉर द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के लिए कौन सी सिटी होस्ट है, आपको ये बताना है। तो 5th एडिशन जो है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का, ये हुआ है थिरुवनंतपुरम में, और ये कंडक्ट होगा थिरुवनंतपुरम में। और इस इवेंट की हेल्प से हम हाईलाइट करेंगे आयुर्वेदा के ह्यूज पोटेंशियल की तरफ, कि किस तरह से जो प्रेजेंट वर्ल्ड में हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको आयुर्वेदा टैकल कर सकता है। ठीक है, और इसका एम है एक प्लेटफॉर्म सेट करना ग्लोबल नेटवर्किंग के लिए फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो यूजुअली बस वेन्यू आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का जो 5th एडिशन था उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है, तो ये है थिरुवनंतपुरम। कुछ और अगर होस्ट यहाँ पे रिवाइज करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट COP28 के लिए होस्ट सिटी कौन सी है, तो ये है दुबई। नेक्स्ट है, फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया की जो समिट थी इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री है, तो इसके लिए होस्ट रखा गया है चाइना को। और फिर नेक्स्ट है, एक समिट है जिसका नाम है मशीन्स कैन सी 2023 समिट, और इसके लिए होस्ट है UAE कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय अ लार्ज आउटब्रेक ऑफ द मोरक्कन लोकस्ट इन वीट प्लांट। कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो वीट प्लांट को डैमेज करने वाले मोरक्कन लोकस्ट हैं इनका लार्ज आउटब्रेक देखा गया, मतलब इनकी जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा गया। तो ये हमें मिला है अफगानिस्तान कंट्री से, और ऐसा माना गया कि जो भी इनका एनुअल हार्वेस्ट था वीट का, उसका 1/4 ये टोटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ठीक है, और इस लॉस का कितना इम्पैक्ट पड़ा है अफगानिस्तान के ऊपर, तो लगभग $280 मिलियन से लेके $480 मिलियन तक लॉस अफगानिस्तान को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ा है। तो जो ये मोरक्कन लोकस्ट हैं ये लगभग 150 स्पेशीज को ईट करते हैं प्लांट की, जिसमें ट्री क्रॉप, पास्चर्स और 50 फूड क्रॉप भी आते हैं। और इस स्पेशीज को रैंक किया जाता है टॉप पोजिशन पे अमंग द मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग प्लांट पेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये वीट प्लांट को डैमेज करते हैं, और अफगानिस्तान कंट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है इस पर्टिकुलर मोरक्कन लोकस्ट से। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने हाल ही में लीगलाइज कर दिया है यूथनेशिया को, सबसे पहले बात करते हैं यूथनेशिया क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें किसी भी ऐसे इंसान को जो मरना चाहता है, रीज़न क्या है, क्योंकि उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कभी भी सही नहीं होगी, या फिर उस बीमारी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द या पेन है और वो कभी भी क्योर नहीं हो सकती, तो ऐसे इंसान को फिर लगता है कि उसे मर जाना चाहिए, और फिर ये यूथनेशिया की प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। याद रखिएगा, यूथनेशिया ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलीगल है, लेकिन हाल ही में पुर्तगाल कंट्री ने इसको लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, नया लॉ इन्होंने अडॉप्ट किया है जिसके बाद वहाँ पे जो भी लोग 18 या 18 प्लस हैं, अगर उनको इंटॉलरेबल पेन है किसी भी डिजीज़ की वजह से और वो मरना चाहते हैं, तो यूथनेशिया को वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पुर्तगाल ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसने हाल ही में लीगलाइज कर दिया है यूथनेशिया को। पुर्तगाल के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं मार्सेलो डी सौसा। ठीक है, विच कंट्री कंडक्ट्स द सोरिंग ईगल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को किसने कंडक्ट किया है, तो ये एक तरह की रेगुलर लार्ज स्केल एक्सरसाइज है जिसको कि कंडक्ट किया है साउथ कोरिया की एयरफोर्स ने,
और हाल ही में कमेंस हुई है एक एयरबेस में जो कि चेंगजू में लाई करती है, ये एक जगह है साउथ कोरिया में, ठीक है। इसमें लगभग 160 पर्सोनल और 60 वॉर प्लेन्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि F-35A स्टेल्थ फाइटर भी मौजूद थे, साथ ही और भी टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें गए थे हिस्सा लेने। तो बस याद रखिएगा, सोरिंग ईगल एक्सरसाइज किसकी है? साउथ कोरिया की। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस फॉर साउथ कोरिया, एस फॉर सोरिंग, ठीक है। कुछ और यहाँ पे अगर एक्सरसाइज को रिवाइज करें तो क्विकली चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें संप्रीति, संप्रीति होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। सेकेंड है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ। फिर नेक्स्ट है मैत्री, मैत्री जो है ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। फिर नेक्स्ट है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया कंडक्ट करता है यूएसए के साथ, साथ ही यूएस के साथ हम एक और करते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया कंडक्ट करता है मंगोलिया के साथ। फिर नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडिया करता है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। फिर एक है सिर्फ शक्ति, नॉट गरुड़ शक्ति एंड नॉट मित्र शक्ति, ये सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज है जो इंडिया कंडक्ट करता है फ्रांस के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन हम करते हैं जापान के साथ। फिर नेपाल के साथ एक हम करते हैं जिसका नाम है सूर्य किरण, ये होती है इंडिया और नेपाल के बीच। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, शक्ति होती है फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, और यहाँ पे मित्र शक्ति करते हैं श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंट हैं, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर जयंत वी नागलिकर, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। डॉक्टर जयंत वी नागलिकर किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? तो ये एक एस्ट्रोनॉमर हैं, और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में ये पहले रेसिपिएंट बन चुके हैं ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के, ठीक है। इस अवार्ड को 2022 में फॉर्म किया गया था या इंस्टीट्यूट किया गया था, किस लिए? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के तौर पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस अवार्ड के पहले रेसिपिएंट कौन है? ये है डॉक्टर जयंत वी नागलिकर। कुछ और यहाँ पे अगर अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक बार रिवाइज करें तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको हाल ही में रिसीव हुआ है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कंट्री फ्रांस, ठीक है। फिर नेक्स्ट नाम है इसमें पंडित रामकिशन का, पंडित रामकिशन हाल ही में बन चुके हैं मैन ऑफ द सेंचुरी, और इनकी उम्र फिलहाल है 97 इयर्स, ये एक सोशलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्कल को रिसीव हुआ है जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट, राइट। नेक्स्ट है रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव इज एम्ड एट रीबिल्डिंग विच एंटिटी। तो ये जो केरला का इनिशिएटिव है, रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव, इसमें किस एंटिटी या किस चीज़ को रीबिल्ड करने की बात की गई है? तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है केरला का, जिसमें डिसाइड हुआ है कि रोड्स को रीबिल्ड किया जाएगा आफ्टर फ्लड, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की टीम ने रिव्यू किया एक्टिविटीज़ को केरला की अंडर दिस इनिशिएटिव। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने एग्री किया है कि वो और भी पॉसिबल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करेंगे टोटल 6 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव में किस चीज़ को रीबिल्ड करने की बात की जा रही है? तो ये है रोड्स। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हस्की आइकर हैज़ बीन सेटअप इन विच इंडियन स्टेट। दुनिया की सबसे पहली इंटीग्रेटेड मशीन जिसकी हेल्प से आप ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसको किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है? तो ये दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड मशीन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, और इसको सेटअप किया जा रहा है केरला स्टेट में। किसने सेटअप किया है? तो CML बायोटेक लिमिटेड ने, ठीक है। और ये जो मशीन है, इसको मैन्युफैक्चर किया है कैनेडा बेस्ड हस्की टेक्नोलॉजीज ने, जो कि ग्लोबल लीडर हैं इंजेक्शन माउल्ड्स और मोल्डिंग मशीन के मामले में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस मशीन को कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा केरला। अच्छा, केरला अपने कैरा प्रोग्राम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। केरा का फुल फॉर्म क्या है? केरला इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम। इसका एम है जो केरला के एग्रीकल्चरल सेक्टर हैं उनको रिवाइव करना थ्रू सोशियो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, ठीक है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया है $165 मिलियन फंड, राइट। तो हो सकता है आपसे पूछें कि वर्ल्ड बैंक ने $165 मिलियन प्रोजेक्ट जो केरा प्रोग्राम के लिए प्रपोज किए हैं वो किस स्टेट के लिए है? तो आंसर हो जाएगा केरला।
और केरा का फुल फॉर्म क्या बताया? केरला इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिदम संगवान हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट. ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिदम संगवान इंडिया को बिलोंग करती हैं और हाल ही में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023 फॉर राइफल एंड पिस्टल शूटर्स, जिसके लिए वेन्यू है बाकू, अजरबैजान. ठीक है, और इसी के साथ ये इनका पहला इंडिविजुअल सीनियर मेडल है एट द शूटिंग वर्ल्ड कप. इसके अलावा इन्होंने और भी मेडल्स जीते हैं शूटिंग वर्ल्ड कप्स और शूटिंग चैम्पियनशिप में एट जूनियर एज वेल एज सीनियर लेवल. ठीक है, तो याद रखिएगा, रिदम संगवान एक शूटर हैं और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023, जिसके लिए वेन्यू है बाकू, अजरबैजान. चलिए कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले बात करते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की, और किस मंथ के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो अप्रैल मंथ की. ठीक है, इसमें याद रखिएगा, अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो इसके विनर हैं फखर जमान, जो कि पाकिस्तान कंट्री को बिलोंग करते हैं, और अगर हम वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे तो इसकी विनर हैं नार्वे मोल चैवाई, ये थाईलैंड को बिलोंग करती हैं. ठीक है, और कुछ दिनों पहले हमने मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी देखा था, इसको जीतने वाले कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन. और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी थोड़े ही दिन पहले हुआ था और इसके विनर है सर्जियो पेरेस. आपको कमेंट्स में बताना है कि मैक्स वर्स्टैपेन और सर्जियो पेरेस की कंट्रीज कौन कौन सी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ बिन रिकोगनाइज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय सीरियम. तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी सीरियम ने, इसके मुताबिक कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है? तो ये है हैदराबाद एयरपोर्ट, और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो हैदराबाद एयरपोर्ट है इसमें 90.43% ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड है. ठीक है, और ये इकलौता एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का जिसने 90% ऑन टाइम परफॉर्मेंस मार्क को क्रॉस किया है. ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट दुनिया का एज पर द सीरियम कौन है? हैदराबाद एयरपोर्ट. कुछ दिनों पहले हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखा था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए रिवाइज करना ज़रूरी है. इसमें इंडिया की रैंक थी 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. टॉप थ्री कंट्रीज कौन सी थी? तो नॉर्डिक कंट्रीज ने बाजी मारी थी. फर्स्ट था इसमें नॉर्वे, सेकेंड था आयरलैंड, और थर्ड है इसमें डेनमार्क. ठीक है, फिर इसके अलावा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज जो है ये सेकेंड पोजिशन पे था. लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बिकम द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी दिस ईयर? कौन से इकलौते इंडिया के साइंटिस्ट हैं जो इस साल फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी बन चुके हैं? तो ये हैं राजीव वार्ष्णेय, ये एक इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं टुवर्ड्स डिकोडिंग द लेज्यूम्स जीनोम, और इन्होंने चीक पी की बहुत नई नई वेराइटी ईजाद की है. ठीक है, तो ये इकलौते इंडिया के साइंटिस्ट हैं जो इस साल रॉयल सोसाइटी के फेलो बन रहे हैं, और इसी के साथ राजीव वार्ष्णेय फोर्थ इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो इस सोसाइटी में फेलो बन रहे हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? राजीव वार्ष्णेय. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, और अब हम चलते हैं रिविजन सेशन की तरफ अपने, जिसमें हम अप्रैल मंथ को फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये पार्ट 9 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 135 तक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है, विच कंट्री कंडक्टेड द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट? तो ये जो असेसमेंट है ये हाल ही में कंडक्ट किया है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने US के, और इसमें पाया गया कि इंडिया सभी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करता है. ठीक है, इसी वजह से न्यूज़ में था, याद रखिएगा, ये US कंडक्ट करता है. विच आर्म फोर्स लॉन्च द रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसके थ्रू एग्जामिन किया जाता है कि जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो कितना प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरह के ऑयल स्पिल या फिर मरीन पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए. विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ ड्रग नेम्ड एज ज़ाइलाज़ीन एज एन इमर्जिंग थ्रेट? तो US में डिक्लेयर हो चुका है कि ये जो पावरफुल सिंथेटिक ओपियॉइड है ये एक तरह का इमर्जिंग थ्रेट बन चुका है US के लिए. भटिंडा मिलिट्री स्टेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है ये लाई करता है पंजाब में,
और हाल ही में 4 आर्मी जवान को यहाँ पे किल किया गया था। विच स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ तेजस सिंह सुतंतार? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ये मेंबर है 5th लोकसभा में, साथ ही एक नेशनल रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की थी फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। और हाल ही में इनके एक स्टैचू को अनवील किया गया पंजाब में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने किया था। यूक्रेन रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है $200 मिलियन इन ग्रांट फाइनेंसिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जिसके हेल्प से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। और इसको फंड किया जा रहा है थ्रू दिस यूक्रेन रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड। विच स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द 5th इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग इन 2023? इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। विच स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज सेट टू लॉन्च मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना? ये योजना है हिमाचल प्रदेश स्टेट की, और इस स्कीम के तहत जो भी विडोज या सिंगल वुमेन हैं स्टेट में उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने घरों को बनवा सकें। विच टेलीस्कोप कैप्चर्ड द कैसियोपिया ए सुपरनोवा रेमनेंट? इसको कैप्चर किया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो कि नासा का है। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? तो ये जो पाइपलाइन है ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया का, और इसकी हेल्प से सीएनजी को फार फ्लंग एरियाज में डिलीवर किया जाएगा, और जिससे होगा क्या, जो क्लीनर फ्यूल्स हैं उनको अडॉप्ट करने में इंडिया को आसानी होगी। वॉट इज वाइब्रियो वुल्निफिकस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है, और हाल ही में पाया गया कि यूएस के ईस्टर्न कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस बैक्टीरिया में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द पब्लिक हेल्थ पायनियर ऑफ विच कंट्री? तो ये वॉर फाइटर और पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया ढाका में एट द एज ऑफ 81 ईयर्स। तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। निशा दहिया हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? ये एक रेसलर हैं, और किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन 68 kgs कैटेगरी इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जिसके लिए वेन्यू था कजाकिस्तान। वेन इज अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व इन इंडिया? इसको हर साल हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, किस लिए? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथ ही याद रखिएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है उसको इक्वालिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द ए हेल्प प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है उत्तराखंड स्टेट ने, और ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। ए हेल्प बेसिकली एक तरह की कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट का ग्रुप है जो कि हेल्प करती हैं लाइफ स्टॉक फार्मर्स को लोन लेने में, साथ ही उनके लोकल डिपार्टमेंटल वर्क्स में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है उत्तराखंड स्टेट का। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 questions अप्रैल मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। चलिए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 5 questions हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।